हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से बनने वाले टॉप 55 क्वेश्चन को। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित हैं और इस पोर्शन से यानी कि इस टॉपिक से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया गया है। यहाँ पर सुमिलित हैं ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन। ये पहले से ही सुमिलित हैं, बस आपको इनको याद रखना है। देखिए, जनन ग्रंथि ये संबंधित है प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है। जनन ग्रंथि ये संबंधित है प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है। ये एक तरह का स्त्रावी हार्मोन है। अगला है पीयूष ग्रंथि, यह है आपका वृद्धि हार्मोन से संबंधित। फिर इसके बाद है अग्नाशय, अग्नाशय संबंधित है इंसुलिन से। देखिए, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। इसके बाद है अधिब्रक, अधिब्रक ये संबंधित है आपका कार्टिसोन से। किससे? कार्टिसोन से। यहां पर आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। पहला कौन सा? अग्नाशय वाला, ठीक है ना। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। और जनन ग्रंथि का संबंध किससे है, यानी कि जनन ग्रंथि से किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये है प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है, जो कि महिलाओं के गर्भाशय से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिए हैं फिर से हार्मोन के नाम दिए हैं आपको, ठीक है। पहले सुमिलित हैं, बस आपको याद रखना है। हार्मोन दिए हैं और स्त्रावित ग्रंथियां दी हैं, यानी कि ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन, इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन ये गर्भाशय से निकलता है, किससे? महिला से। अगला है टेस्टोस्टेरोन, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन ये अंडाशय से निकलता है पुरुषों में। इसके बाद है थायरोक्सिन, ये संबंधित है थायराइड से, किससे? थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रता स्तर बने रहने की प्रवृत्ति है, इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, तो देखिए इसका कारण है प्राणियों के मामले में, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है सिक्रीटिन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन है सिक्रीटिन। कौन सा है? सिक्रीटिन। क्वेश्चन है अगला, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी यानी कि एक हार्मोन है, ये किस प्रकार का हार्मोन है? ये तो है पेप्टेटाइड। किस प्रकार का है? पेप्टेटाइड। देखिए दोस्तों, हम इंसुलिन शब्द तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस शब्द को याद रखिएगा। एग्जामिनर यदि यहाँ पर आपको एग्जाम में लिख के दे मधुसूदनी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंसुलिन की बात आपसे कर रहा है। क्वेश्चन है, इंसुलिन अंतःस्रावी एक है, यानी कि ये एक हार्मोन है, किस प्रकार का? पेप्टेटाइड। अगला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन होता है तो ये होता है प्रोटीन, ठीक है, इंसुलिन होता है, आंसर है इसका प्रोटीन। टिन, तांबा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम में से इंसुलिन मौजूद धातु है। तो देखिए, इनमें से इंसुलिन में मौजूद धातु कौन सी है? जस्ता, ठीक है। टिन, तांबा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, तो यह है जस्ता। देखिए दोस्तों, जब भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन SSC एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, उदक मेह यानी कि डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, ये कथन है ए। इसके बाद है, उदक मेह यानी कि डायबिटीज इंसिपिडिस वाला व्यक्ति बेसोप्रेसिन के अतिशय
स्रावित्र सॉरी स्त्राव से ग्रस्त रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन सॉरी कथन ए सही है आपका, ठीक है ना, कथन ए सही है, लेकिन परंतु आर इसका गलत है, ये आर जो इसका कारण बताया गया ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंत स्त्रावी एवं बाही स्त्रावी दोनों प्रकार की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, चाहे वो घटना चक्र का हो, अरिहंत का हो, किसी भी बुक का हो, आपको ये क्वेश्चन वहां जरूर देखने को मिलेगा और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय एक इस प्रकार की ग्रंथि है जो अंता स्त्रावी और बाही स्त्रावी दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार का है ये ग्रंथि, ठीक है, इनमें से दोनों प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कह रहा है ना, मानव शरीर का वह ग्रंथि जो अंता स्त्रावी और बाही स्त्रावी दोनों प्रकार की है, तो यह है अग्नाशय। देखिए कथन वाला क्वेश्चन फिर से आया है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, और कारण है अल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्त्राव बढ़ जाता है। तो देखिए ए कथन आपका सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, ग्लाइसिन हीमोग्लोबिन हिस्टेमीन इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मधुमेह का मतलब क्या है, शुगर की बीमारी, ठीक है दोस्तों, यानी कि डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको हम रोजमर्रा की भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं कि भाई शुगर हो गया, ठीक है ना, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है, तो ये है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो देखिए आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, देखिए ये ग्रंथि एक तरह की और इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो ये कहां उत्पन्न होता है, अग्नाशय में, कहां पर, अग्नाशय में। इसके बाद है, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो ये दोस्तों हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और कहां उत्पन्न होता है, मानव के अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन एथिलीन इंसुलिन तथा जिब्रलिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साइटोकाइनिन एथिलिन और जिब्रलिन ये पादप हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन थायरोक्सिन इस्ट्रोजन तथा साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है, तो अभी हमने देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन लगाया था, यहां हमने क्या पढ़ा, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा, और ये इसका आंसर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा एथिलीन तथा जिब्रलिन ये पादप हार्मोन हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, डहलिया की जड़ों से, ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, डहलिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह है यकृत में, ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहां पर, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो देखिए ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं ऊपर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, कहां, यकृत में, और क्वेश्चन क्या बनाया इसने दूसरा वाला, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है, तो ये करता है प्रेरित ऑक्सीटोसिन को, किसको, ऑक्सीटोसिन को, मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है किसको, ऑक्सीटोसिन को। केराटिन फाइब्राइन ऑक्सीटोसिन तथा कोलेजन में से प्रोटीन नहीं है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, केराटिन फाइब्राइन ऑक्सीटोसिन तथा कोलेजन में से प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है इसमें से, ऑक्सीटोसिन। वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोन का स्त्रावण करती है, तो यह है पीयूष ग्रंथि। वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतः स्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो वो कौन सी है? वो है पैराथायरॉयड या फिर परावट्टू ग्रंथि। ठीक है, पैराथायरॉयड या फिर परावट्टू ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, कौन सी? ऑक्सीटोसिन की सुई। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो ये है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। थायरोक्सिन है, देखिए थायरोक्सिन क्या है? तो ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है। और नीचे फिर क्या लिखा है, देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायरॉयड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक को प्रयोग में लाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। देखिए फिर से आया कथन कारण वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, आपसे बार बार कह रहा हूं। देखिए, थायराइड ग्रंथि से पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी कि घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है, कथन दिया गया है। कारण आर क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो देखिए, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन ए और आर दोनों सत्य हैं, बातों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, तो ये एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या होता है? एक अमीनो अम्ल होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतः स्त्रावी हार्मोन है, तो यह है TSH। ठीक है, TSH एक अंतः स्त्रावी हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को उत्तेजित करता है निकलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन टेस्टोरेस्टोन इंसुलिन तथा एड्रेनलिन हार्मोन में से आयोडीन है, तो इसमें से किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, तो सही आंसर है दोस्तों घेंगा रोग। कौन सा? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। देखिए यहाँ पर सुमलित शब्द दिए गए हैं, कुछ ये पहले सुमलित हैं, बस आपको याद करना है। देखिए, एड्रीनेलिन इसका संबंध है क्रोध भय तथा क्रोध से। फिर है एस्ट्रोजन, इसका संबंध है स्त्रियों से। इंसुलिन का संबंध है ग्लूकोज से। फिर है फेरोमोन, इसका संबंध है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन है ये? ये है आपका एड्रीनेलिन, जो कि क्रोध भय तथा खतरे से संबंधित है। ठीक है, उत्तेजित करता है इन चीजों के लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भी था सुमलित करने में ऊपर, एड्रीनेलिन क्या करता है? ये क्रोध भय तथा खतरा इन चीजों को उत्पन्न करता है, तभी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा? एड्रेनेलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह हार्मोन जिसके स्त्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आंसर क्या है इसका? एड्रेनेलिन। उत्तेजना का मतलब है दोस्तों क्रोध आना। ठीक है ना, सुमलित जब हमने किया था वहां लिखा भी था। देखिए, क्रोध भय खतरा, वह हार्मोन जिसके निकलने से उत्पन्न होने से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। क्या है? एड्रेनेलिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वह है, तो यह है हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वह कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो ये होता है स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में। कहां पर? स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में एस्ट्रोजन है। तो देखिए, एस्ट्रोजन इस शब्द को हम 5 से 6 बार अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये हार्मोन है और ये स्त्रियों से संबंधित है।
स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा रजो निवृत्ति, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह क्या है, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, एंड्रोस्टेशन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन तथा थायरोक्सिन में से जो स्त्री लिंग, ध्यान रखिएगा स्त्री लिंग की बात कर रहा है, स्त्री लिंग हार्मोन है तो यह है एस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोन, क्या नाम है इसका, एस्ट्रोन, ये स्त्री लिंग हार्मोन है। देखिए यहां पर विचार करना है आपको, निम्न पर विचार कीजिए, पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट। यह मानव किसी, यानी कि किसी क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहा है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप से दिया गया। देखिए यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है इसके बारे में पॉइंट, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्त्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये गुण विशिष्टता है किसके हैं, तो यह अग्नाशय के, ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय का रस एक विशेष प्रकार का कोशिकाओं से स्त्रावित होता है और क्षारीय होता है। अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दे में से मनुष्य के शरीर में बाहिनीहीन है, तो बाहिनीहीन है अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो ये करता है पैरा थायरॉइड हार्मोन, जिसको हिंदी में कहते हैं पराबटू, क्या कहते हैं पराबटू, और इंग्लिश में कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। क्या करता है ये, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में जहां पर साइंस पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, और इसका रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसको, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अग्नाशय की। और यहां क्वेश्चन अभी दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीहा अग्नाशय अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा पित्त का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण होता है शरीर में यकृत में, और इसका संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर देखते हैं इसके आंसर क्या आएंगे। देखिए HCL की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, बसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है, तो इनमें से कथन सत्य कथन है, तो देखिए दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, TIVA का पूरा नाम क्या है, तो टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसीमिया। ठीक है, TIVA का फुल फॉर्म क्या है, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है इसके द्वारा, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, एसिटिलीन। देखिए दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, हरे फलों को कृत्रिम, हरे फल की बात कर रहा है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, किस गैस का, एसिटिलीन। साइटोकाइनिन एफसिसिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो यह है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो यह है एप्सिसिक अम्ल, कौन सा है, एप्सिसिक अम्ल। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है, जल्द मिलते हैं
साइंस के किसी नए टॉपिक के साथ।